नमस्कार, आज हम करेंगे तुद्ध धातु। इससे पहले हम पांच धातुएं कर चुके हैं। तुद्ध धातु लट लकार सर्वप्रथम रूप आपके सामने है। तुदति तुदतः तुदन्ति तुदसी तुदतः थह थ तुदत् तुदामी तुदावह तुदामह। प्रथम पुरुष एकवचन तुदति। तो पहले, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहला सूत्र लट लकार है, चूंकि वही वर्तमाने लट से पहला सूत्र वर्तमाने लट, वर्तमान काल की विवक्षा में तुद धातु से लट लकार, तो तुद से हम लट कर देंगे, तुद प्लस लट। फिर जैसा कि करते आए हैं तिप्तस जी से प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय कर देंगे। तिप तिप से ती शेष बचता ही है, तो तुद और ती, इतनी स्थिति बन जाएगी। फिर तिप की सार्वधातुक संज्ञा तिंगशित सार्वधातुकम से तिप की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद देखिए आप क्या करते थे, कर्त्री शब्द से शब्द का आगम करते थे आप, कि तिप सार्वधातुक तिप चूंकि परे है इसलिए तुद से परे कर्त्री शब्द से शब्द का आगम, लेकिन यहाँ शब्द बाधित हो जाता है और चूंकि तुद धातु है तो तुधादिगण का जो विकर्ण है वो लग जाता है। तुधादिगण में क्या सूत्र है, तुदादिभ्य श, तुदादिभ्य श सूत्र से तुद से परे श का आगम होता है यदि परे सार्वधातुक प्रत्यय हो। तो यहाँ सार्वधातुक तिप प्रत्यय परे है इसलिए तुद से परे श प्रत्यय का आगम हो जाएगा। श यहाँ श देखिए श पूरा है, श श का आगम हो गया है, श में से अशकार शेष बचता है, सॉरी अशेष बचता है, शकार की संज्ञा हो जाती है। शकार की संज्ञा किससे करेंगे आप, पहले सूत्र आपने किया हुआ है लशक्व तद्धिते, लशक्व तद्धिते सूत्र से लकार की होती है, शकार की संज्ञा होती है और कु आगे संधि होगी, क वर्ग कु का मतलब क वर्ग की, तद्धित भिन्न लकार शकार और क वर्ग। तो यहाँ हमारे पास श है, शकार है, तो इसकी सूत्र से संज्ञा और तस्य लोपेसिस का लोप हो जाएगा, शकार का अशेष बचेगा, तो तुद अ और ति। अब द में हलंत है चूंकि, तो श का इसमें मिल जाएगा तुद ति। अब यदि यहाँ कोई कहे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि तुद के ऊ को उगंत लघु उपदस्य च से गुण प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो गुण क्यों नहीं किया है, हम क्यों नहीं करेंगे, हो नहीं सकता है क्योंकि श जो है परे सार्वधातु तो है लेकिन अपित है, यह पित नहीं है अपित है, सार्वधातु तो है अपित है, इसलिए सार्वधातुकम अपित सूत्र है जो पहले भी ये आपने किया हुआ है, सार्वधातुकम अपित के अनुसार यहाँ जो पुगंत लघु उपदस्य जैसे तुद के उपगुण प्राप्त था उसका निषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा तो सार्वधातु कार्धातु क्यों से हम गुण नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तो श का अ तुद के द में हलंत में मिल करके यही साधारणतः रह जाएगा तुद्धति, तुद्धति रूप ही सिद्ध होता है हमारा, तो तुद्धति रूप सिद्ध हो जाएगा, हो गया इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं द्विवचन। देखिए इसकी पूरी रूप सिद्धि मैंने नहीं की है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। जैसे आपने सर्वप्रथम भू धातु की थी, भू धातु का लट लकार किया था, बिल्कुल वैसा ही है, और पांच धातुएं आप लट लकार में कर चुके हो। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ कहीं भी हमने पहले तुदादिभ्य शब सूत्र नहीं लगाया है और वो लगा भी नहीं सकते क्योंकि वो सूत्र लगेगा ही तुद धातु में, तो अब तुद धातु कर रहे हैं तो शब को बाद करके इस सूत्र को करना है, बाकी स्थिति बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगी। आप देख लीजिए तुद सब सब जो है ना सामने रूप के अंदर तुदती तुदतः तुदंती, तुद आना चाहिए, तुद कहाँ से बना, द हलंत है उसमें श का अ मिल जाएगा और तुदती तुदतः तुदंती वैसे का वैसा रूप बनता जाएगा सारा, बाकी पीछे प्रत्यय हैं जो सदा से करते आ रहे हो,
तो इस तरह से लट लकार आप अपना पूरा कर लीजिएगा। आगे अपने करते हैं लट लकार के बाद लिट लकार। लिट लकार में रूप सामने है आपके तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि तोत्स्यतः तोत्स्यत, तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः। तो तोत्स्यति रूप है एकवचन का, प्रथम पुरुष एकवचन। लिट लकार है तो लिट लकार का सबसे पहले सूत्र हमारा वही पुराना सूत्र लिट शेषे च। लिट शेषे च सूत्र से तुद से लिट लकार किया, तिप्ता जी से लिट के स्थान पर प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय तिप किया, तिप से ति बचाया शेष। ठीक है, अब आप देखिए चूंकि ये लिट लकार है, हम यहाँ पर सहतासी लिट लुटो सूत्र ले आएंगे जो हमेशा लिट लकार में लगता ही लगता है। तभी जो बीच में जो ये स्य आता है तो स्यति, तो स्य कहाँ से आया है, उसी सूत्र से आया है। ये भी आप बहुत बार पहले देख चुके हों, तो ठीक है स्य का आगम हमने कर लिया यहाँ चूंकि लिट लकार है, लुट में तास का आगम होता, तुद स्य और तिप का ती। अब स्य प्रत्यय कैसा है देखिए, यह न तो तिंग है न शित है, ये बहुत बार पहले भी समझा लिया है हमने इस बात को। स्य न तिंग है न शित है, शेष है उससे बचा हुआ तिंग से शित से, तो अर्धातुकम शेष सूत्र प्रभावी हो जाएगा। अर्धातुकम शेष सूत्र से स्य प्रत्यय की अर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यह न तिंग है न शित है, अर्धातुक संज्ञा कर दीजिए स्य प्रत्यय की। फिर देखिए उगंत लघु उपदस्य जैसे क्या है सूत्र से, लघु उपदा वाली धातु तुद के उकार को गुण हो जाते हैं इस सूत्र से, यानी लघु तुद, तुद है जो तुद धातु, इसकी उपधा में क्या है, लघु उ है, ह्रस्व उ है। उपधा क्या होती है ये भी पहले अपने बात कर चुके हैं, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पहले वाले की उपधा संज्ञा होती है। अल क्या होता है, अयुणस अ से शुरू होकर के हल हल तक चलता है, यानी 14 माहेश्वर सूत्र पूरे के पूरे अल प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो आप देखिए कि अल प्रत्याहार में 14 माहेश्वर सूत्र हमारे आ गए, तो उसमें हमारा उ भी आ गया, तो अंतिम द भी आ गया है, तो अंतिम अल क्या है, द है, और उससे पहले क्या है, उ है, तो अंतिम अल से पहले वाला हमारा उपदा होता है, उ की उपदा संज्ञा हो गई मानो, तो इसी उपदा को पुगंत लघु उपदस्य ने गुण कर दिया। उपदा हमारी उ है तो उ को गुण हमेशा ओ होता है, तोद हो गया, तो द हलंत है, स्य है परे और ती तिप का परे है, तोद स्य और ते। चलिए अब खरीच सूत्र, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। खरीच सूत्र क्या कहता है कि यदि खर परे हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर खर हमारा देखिए स्य का जो स है वो खर प्रत्याहार में आता है, खफ चटत से शुरू करते हैं यदि हम, कहाँ तक चलेंगे, श श स र तक, खफ चटत चटत व कप य श श स र। तो स इसके अंदर आ गया, र तक जाएगा खर, ख से शुरू होकर के, तो कह सकते हैं कि खर सकार परे है, इसलिए झल क्या द दकार, दकार को चर हो जाएगा। अब दकार, दकार को चर क्या करें, प्रश्न ये है, ठीक है। तो चर कौन से वाला चर करेंगे, जो द जिस वर्ग में आता है, द किस वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है, त थ द ध न, तो द के जिस वर्ग में आता है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण चर कर देंगे। यहाँ द का वर्ग है त, त ही प्रथम है तो तकार हो जाएगा, दकार के स्थान पर हो त स्य ति। अब देखिए हो त, त हमने यहाँ हलंत किया है, हलंत क्यों किया, क्योंकि ऊपर द हलंत है, इसलिए ये भी हलंत होगा।
पोत्स्यति, त भी हलंत, स्य का स भी हलंत और परे ति है, इसको मिला देंगे, होत्स्यति रूप बन जाए। इस तरह से तोत्स्यति तोत तुद धातु थी ना, तोत्स्यति रूप सिद्ध हो जाएगा। तो तुद से हमने तोत्स्यति बनाया, अब इस तरह से सारे रूप बना लेंगे। तोत्स्यति तोत आपका कहाँ से बना, अब आप इसको देख लीजिए, तुद था, तुद के द यहाँ पर तुद 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 से परे जो है हमने स्य का आगम किया लिटिल कार होने के कारण, फिर उसके बाद जो प्रत्यय पीछे लगते जाएंगे स्य के बाद तोत्स्य तोत्स्य सब में तोत्स्य है, देखिए पीछे तो प्रत्यय हैं जो हरदम हम लगाते हैं, जो रूप बनता है वैसे बनेगा, और जो आगे है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये लिट लकार है और स्य का आगम हो गया है तो हमने आर्धातुक संज्ञा करनी है। आर्धातुक संज्ञा करके पुगंत लघु उपदा से जैसे हमने तुद के उकार को उपदा को गुण करना है वो गुण कर दीजिएगा और द को त करना है खरीचा सूत्र से, बाकी कुछ भी नहीं आनी है, सब सेम चलेगा, वही भू धातु की तरह से चलेगा, उसे सामने रख लीजिए। तो इस तरह हमारे ये तुद धातु बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगी, आप आज ही से पूरा कर लें। तो आगे करेंगे हम, इसके लट और लिट हो गया है, आगे करेंगे हम लोट लगा। थैंक यू।